हेलो स्टूडेंट्स, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्टडी क्लासेस। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे जीवन परिचय को जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में डेफिनेटली 99% देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र ये 5 जीवन परिचय पढ़ लो, 10 नंबर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको इन 5 जीवन परिचय को तैयार करके जाना है और 22 फरवरी को आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जीवन परिचय। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको अदर तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको 5 जीवन परिचय तो बताएंगे ही, साथ में हम आपको जीवन परिचय लिखने का सही तरीका बताएंगे। अगर इस तरह लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो तरीका आपको बताने वाले हैं, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। हिंदी में आपका जीवन परिचय जो है 10 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर जो है वो लेखक का और 5 नंबर कवि का। तो 10 नंबर जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हुए चलिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी होता है कि मैम बोर्ड एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय पूछता है लेकिन आप जीवन परिचय बता रही हैं। तो आज का ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, वरना आपके 10 नंबर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका पहला जीवन परिचय जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग हर साल इनका जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इनका जीवन परिचय जरूर तैयार करके जाना है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लेखक में 2 लोगों का जीवन परिचय तैयार करके जाना है और आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो 2 लोगों का जीवन परिचय आपको लेखक में तैयार करके जाना है, और कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है, अभी हम आपको बताएंगे, लिख करके भी दिखाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बस अपनी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करना है, कंटिन्यू करना है और रिवाइज करते रहना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे हम कवि का जीवन परिचय, तो कवि में जो है आपको तैयार करना है जयशंकर प्रसाद का। ये तो आपका पीछा छोड़ने वाले ही नहीं है, इनको आप क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं और ये आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 12 में, बीए में, एमए में, ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, तो इनको आपको जरूर तैयार करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कह सकते हैं ये आपके लिए स्पेशल पर्सन है, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन बन ही जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इनको जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आपको कवि में 3 लोगों का जीवन परिचय तैयार करना है और आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो आपके बुक में बहुत ज्यादा लेखक और कवि है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको सिर्फ इन 5 जीवन परिचय को तैयार करना है और आपके 10 नंबर जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। मेरी बात मानिए, आप लोग 22 फरवरी को इन जीवन परिचय को तैयार करके जाइए, आपको 22 फरवरी को इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। आप लोग जब पेपर देकर के आइएगा तो जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी में 95 दिलवाने की, क्योंकि हिंदी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 100 में 95 प्लस बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो लगभग मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी प्रोवाइड करा दिए हैं, आप देखे भी होंगे। नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जीवन परिचय को जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिख करके दिखाते हैं, उसके बाद जो है कवि का भी लिख करके दिखाएंगे कि आपको कैसे लिखना है ताकि आपके एक भी नंबर न कटे। तो चलिए हम देखते हैं।
यहाँ पे देखेंगे ये है आपका आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी बहुत ही महान व्यक्ति थे। इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही बड़ा था, यानी कि इन्होंने बहुत ही महान काम किए हैं। यहाँ पे अभी इनके बारे में हम देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज होते हैं कि मैम बोर्ड एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय पूछता है लेकिन आप जीवन परिचय क्यों बता रहे हैं। तो एक बात ध्यान देंगे आप, जब भी आप साहित्यिक पर्चे लिखेंगे तो उससे पहले जो है आपको छोटा सा जीवन पर्चे हेडिंग डालना है। उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, उसमें आप सिर्फ उनके जन्म के बारे में लिखिए, उनकी मृत्यु के बारे में लिखिए और थोड़ा सा उनके माता पिता के बारे में लिख दीजिए। तो इतना जो है आपको जीवन पर्चे में लिखना होता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कितना लिखना है। यहाँ पे ध्यान देंगे आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जो थे वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। तो यहाँ पे इनके जीवन के बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारे प्रसाद का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में एक जिला है बलिया, ठीक है, बलिया जिले में एक छोटा सा गांव है दुबे का छपरा, उसी गांव में आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। क्लियर है। आगे देखेंगे इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे। तो इनके जो पिताजी थे अनमोल द्विवेदी वो ज्योतिष और संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे, ठीक। आगे देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई को 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण जो है स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनका मृत्यु हो गया। तो जीवन परिचय में आपको इतना लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, इतना अगर आप लिखते हैं तो इतना इनफ है, ठीक। तो इस तरीके से पहले यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, इसमें थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में लिखना है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था और थोड़ा सा उनके माता पिता के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना होता है, इसमें आपको इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में लिखना होता है कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है, इनका साहित्य में क्या योगदान है। तो यहाँ पे इनके साहित्य के बारे में लिखना होता है कि इन्होंने साहित्य में कौन कौन से काम किए हैं और इनको किन किन चीजों से पुरस्कृत किया गया है। तो सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, इसमें लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कितने महान व्यक्ति थे। वो एक निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या क्या थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे। ये इतने महान व्यक्ति थे इसीलिए तो ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। आगे देखेंगे वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे, ठीक है। आगे देखेंगे इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे द्विवेदी जी ने इतने महान कार्य किए इसलिए इन्हें डी लिट से सम्मानित किया गया, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो इन्हें डी लिट से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी साहित्यिक सेवा के लिए किन किन चीजों से उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप साहित्यिक परिचय इनका देख सकते हैं, इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे ये था इनका साहित्यिक परिचय। अब चलिए इनकी रचनाओं यानी कि इनकी कृतियों को भी देख लेते हैं। ये है आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको लिखना है द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उनकी रचनाओं पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको जब भी रचना पढ़ना है, जब भी जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आप जो है इनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे निबंध संग्रह में क्या
क्या लिखना है आपको, तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और तर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। तो ये सब क्या है, ये सब इनके निबंध संग्रह है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि अशोक के फूल जो है यह किसकी रचना है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है, या फिर ऐसे बन सकता है कि अशोक के फूल जो है ये किस विधा की रचना है। तो आपको बताना है कि अशोक के फूल जो है ये आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी की रचना है और ये जो है एक निबंध संग्रह है। तो अगर आपसे पूछे कि यह किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि यह निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखेंगे, इतिहास में आपको लिखना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, तो ये है इनका इतिहास। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका उपन्यास। उपन्यास में आपको लिखना है बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये लगभग कई साल देखने को मिला है। आपसे पूछा जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो वहां पे आपको बताना होता है कि इसके लेखक जो है वो हजारी प्रसाद त्रिवेदी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ध्यान देंगे। आगे है चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। तो ये था इनका उपन्यास। वैसे तो इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही लिखिए जितना आपसे बोर्ड एग्जाम में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय समाप्त होता है। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। एक अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय समाप्त होता है। तो हमने देख लिया लेखक का जीवन परिचय, अब चलिए हम आपको एक कवि का जीवन परिचय लिख करके दिखाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये है आपका कवि का जीवन परिचय, यानी कि जयशंकर प्रसाद। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए स्पेशल पर्सन, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और ये जो है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये आपके साथ भी जाएंगे, यानी कि आपसे ये बीए में भी मिलेंगे, एमए में भी मिलेंगे, यानी आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में भी ये मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो बिल्कुल वही तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे हम जीवन परिचय लिखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद जो है हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जीवन परिचय में क्या लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1879 ईस्वी में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। तो इनके जो पिताजी थे वो देवी प्रसाद थे, ध्यान रखेंगे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु थी वो अल्प अवस्था में ही हो गई थी, यानी कि उनकी आधी उम्र में ही उनका मृत्यु हो गया था। उनको जो है क्षय रोग यानी कि टीबी हो गया था, तो इसलिए वो जो है टीवी से ग्रस्त होकर के, यानी कि क्षय रोग से ग्रस्त होकर के स्वर्ग सिधार गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो जीवन परिचय में आपको इतना लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। तो इसमें क्या लिखना है, वही लिखना है आपको इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में, यानी कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है। तो यहाँ पे देखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद भी बहुत महान व्यक्ति थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छायावाद के प्रवर्तक थे, नाटककार थे, कथाकार थे, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। तो विशुद्ध मानवतावाद दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में, यानी कि अपने कविता में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, यानी कि प्रेम और सौंदर्य जो है वो इनकी कविता के प्रमुख विषय रहे हैं। आगे ध्यान देंगे, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण है। तो प्रेम और सौंदर्य इनके कविता का प्रमुख विषय तो था, लेकिन मानवीय संवेदना जो था वो इनकी कविता का प्राण था। आगे ध्यान देंगे, प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और
और अपने कृतित्व से इन्हें सजाया। तो जयशंकर प्रसाद ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी जो है लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें सजाया। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इनका साहित्यिक परिचय। इन्होंने बहुत ज्यादा साहित्य में काम तो किए, लेकिन इन्हें पुरस्कारित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद ने किन किन क्षेत्रों में काम किया। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका साहित्यिक परिचय आप देख सकते हैं। इतना ही आपको लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। अब चलिए इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। ये है जयशंकर प्रसाद की रचना, इसमें आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी रचनाओं को, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे काव्य ग्रंथ क्या क्या है, तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब क्या है, ये सब काव्य ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद की, तो ध्यान से देखेंगे। आगे देखेंगे कहानी, कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब क्या है, ये सब जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं कि कंकाल जो है यह किसकी रचना है, तो आपको बताना होता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनकी रचनाओं को अक्सर पूछ ही लिया जाता है, तो इनकी रचनाओं को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। अब देखेंगे अगला क्या है, निबंध। निबंध है आपका काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो ये था इनका निबंध और ये है इनकी रचनाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार कर ही लेना है। यहाँ पे आपका जीवन परिचय समाप्त होता है जयशंकर प्रसाद का, और यहाँ पे आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर होते हैं। अगर आप बताए गए तरीके से लिखते हैं एक अच्छी हैंड राइटिंग में, तो आपके दोनों कवि और लेखक, यानी कि लेखक और कवि के जीवन परिचय को मिला करके आपके 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, यानी कि आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को, जिन्हें आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही ये आपके बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को। तो आपको इन 5 जीवन परिचय को तैयार करके जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।